नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, आपने परवल की अक्सर जो है आपने सब्जी खाई होगी, लेकिन आज हम आप सभी को परवल की स्वीट्स खिलाएंगे जो कि मधुबनी के लिए शायद कहीं नया होगा। ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा कि परवल की भी जो है सब्जी के अलावा स्वीट्स भी बन सकता है, यानी कि मिठाई बन सकती है। इस वक्त हमारे साथ राम नारायण महतो जी जो है मौजूद है और इनके दुकान में आपको परवल की स्वीट्स मिलेंगे, यानी कि मिठाई मिलेगी, जो कि बेहद स्वादिष्ट होता है। खाकर आपको भी कभी ना कभी ऐसा लगेगा कि यार वापस तो खाना ही है ये जो है परवल की मिठाई। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से ये बनाते हैं, कैसा इनका प्रक्रिया होता है और क्या भाव रेट में जो है ये परवल की मिठाई आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आपके दुकान का नाम बता दीजिएगा, आपका भी नाम बता दीजिएगा और ये मिठाई की क्या खासियत है इसके बारे में बता दीजिएगा। मैं रामनयन महतो, आर एन स्वीट का ओनर, बिहार मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। ये परवल का जो मिठाई है बहुत स्वादिष्ट होता है, बनाने में थोड़ा तकलीफ होता है लेकिन बहुत बढ़िया बनता है। इस परवल का मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले आप रेघा वाला यानी मोटा साइज का परवल होना चाहिए। वो परवल लेकर के पहले तो छिलका को हटा दीजिए, उसके बाद में छिलका हटाने के बाद में थोड़ा सा पानी लीजिए, गर्म पानी में उसको उबालिए। जब आधी पक जाए उसके बाद में पानी से छान के हटा लेना है, हटा करके ठंडा होने के बाद में अंदर का जो बीज होता है उसको निकाल देना है। निकालने के बाद चाशनी बनाइए, मोटा सा मोटा चाशनी में फिर एक बार उबाल लीजिए। फिर ठंडा होने के बाद में उसमें खोआ मेवा इत्यादि दे करके, ड्राई फ्रूट वगैरह दे करके बहुत स्वादिष्ट मिठाई बनता है। आप कितने रुपए का जो है ये एक परवल की मिठाई बिक जाती है? एक कॉस्टली लगभग हम बेच रहे हैं 25 रुपया के और 400 रुपये केजी पर केजी बेच रहे हैं। जो है ये आपने जो है परवल की मिठाई, देखिए अक्सर मधुबनी जिले में तो नहीं मिलता है, तो इसके बारे में सोच कहाँ से आई है या आपने कहाँ ऐसे देखा होगा मिठाई परवल की? हम 22 साल हल्दीराम, बीकानेर, दिल्ली, काठमांडू यहाँ पर नौकरी किए स्वीट लाइन में। इसके बाद में हम अपना बिहार में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में खुटौना एंड जठी अपना होटल खोले और कार्य अभी तो हम कारीगर तो खुद हाइए है और हमारे पीछे और कई कारीगर सब है, उसको हम अपना मतलब पूरा अपना अनुसार से सभी मिठाई को बनाते हैं। चलो, परवल परवल का नया इन्वेंशन जो है मधुबनी में, आपने कहीं सीखा परवल का मिठाई बनाना? क्योंकि अक्सर हम लोगों ने जो है परवल की सब्जी देखी है, तो मिठाई का सोच कहाँ से ये आया? ये दिल्ली से हम सीखे हुए थे, दिल्ली और कलकत्ता में, वहाँ पर हल्दीराम में खास करके पहले मिल बनवाते थे। और मधुबनी में इसलिए जो है आपने यहाँ पर शुरुआत की परवल की जो है मिठाई बेचना, लेकिन काफ़ी जो है स्वादिष्ट भी होता है। लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं? जो खा रहे हैं तो वाह तो बोल रहे हैं, बोलते हैं वाह क्या मिठाई बना है, कि एक बार खाएंगे तो वापस बार बार जो है मिठाई खाने आएंगे। और आपकी दुकान में इसके अलावा किस तरीके की जो है मिठाई मिलती है? हमारे यहाँ काजू का बर्फी है, खोआ का बर्फी है, मिल्क केक है, कलाकंद है और मतलब बेसन का बर्फी है और ड्राई फ्रूट में भी कई तरह का बर्फी सब है, पेड़ा है। और मिठाई में जो आइटम बोलते हैं जहाँ का सारी मिल जाए। जी जी जी, हमारे यहाँ सभी प्रकार के मिठाई बनाई जाती है। छेना का स्पेशल है, बंगाली रसगुल्ला और रसमलाई और रसमादरी बोलते हैं, बहुत टेस्टी होता है। और खास करके कृष्णा अष्टमी के ऊपर में 56 भोग। अच्छा, 56 भोग का जो है आपने ये पूरा डिश तैयार किया हुआ है, एक बार आप दिखा दीजिएगा। ये पूरा 56 भोग का जो है ये डिश प्रिपेयर किया हुआ है और ये कृष्णा जन्माष्टमी के लिए स्पेशल है, जिसमें ये परवल का भी जो है ये आपने यहाँ पर रखा हुआ है। ये परवल का भी मिठाई इसमें एक पीस डाला हुआ है। ये डाला आपको हर किसी अवसर पर, यानी कोई भी त्योहार के अवसर पर मिलता है। जहाँ 56 भोग जो है जरूरत हो वहाँ पर ये जो है बिकता है। हाँ, इसका क्या रेट होगा? ये 1151 रुपया का है। चलिए, देखिए, तो अगर आप भी कभी परवल की मिठाई खाना चाहते हो, सब्जी नहीं मिठाई खाना चाहते हो, तो जरूर यहाँ पर